Good evening, guys. Uh, we are having Dr. Rakshat with us, and uh, he is basically from Dungarpur, Rajasthan, and he is a pass out of ISM. This is his second attempt, and uh, he has cleared the exam earlier, uh, first time, uh, and he was there in the Raj Jaipur batch. एंड आई विश अलॉट ऑफ बहुत बहुत शुभकामनाएं बहुत बहुत बधाई है आपको आपके परिवार को अक्षत और आपने जो ये पिछले के कुछ महीने थे जरूर बहुत हार्ड गए होंगे आपके लिए मुझे पता है और आपने इतनी मेहनत की और ये सब उसी मेहनत का नतीजा है जो आपने आज इतना अच्छा रिजल्ट अचीव किया है प्लस आ, ये आपने आपके परिवार को सबसे अच्छा जो गिफ्ट आप दे सकते थे दिस इज वॉट यू हैव गिवन टू दैम सो so, uh, अक्षत uh, आपकी कुछ बातें जानना चाहेंगे हम जब आप वहां से आए थे आईएएसएम से uh, सबसे सब पहले जब आप कॉलेज से आए आए थे कैसा चल रहा था आपके दिमाग में और क्या सोच के आपने आरआईएस जयपुर ज्वाइन किया था मतलब बहुत सारे थे इंस्टीट्यूट तो तो कैसे सेलेक्ट किया आपने इसको uh, मैंने क्या आपकी क्लास मैंने बिश्केक में कर रखी थी आपकी क्लास की थी ना मतलब एक-एक वर्ड्स एक-एक आपके हिंट वर्ड ब्ज वर्ड तो बस मुझे यही तभी लग गया था बस मुझे प्रियंश सर जहाँ पे है तो मैं वहीं जाऊंगा और वहीं से क्लास करूंगा तो मैंने सर आपकी क्लास वहां पर ज्वाइन की मैंने क्यू किया क्यू तो बेस्ट एवर था मेरे लिए और क्लासेस तो आपकी थी सर बेस्ट और मुझे मेरा एक्सपीरियंस आपके लिए तो सर बहुत ही बढ़िया और जो फिर उसके बाद माइक्रो के सलमान सर थे बेस्ट से बेस्ट थे वो भी फिर उसके बाद उनके भी काफी अच्छे क्वेश्चन मेरे सही हुए नहीं ये तो क्या है पूरा एक टीम एफर्ट है और पूरी आर हाँ। की टीम सब बहुत अच्छे से काम करते हैं एंड सब लोग एक ही गोल के लिए काम कर रहे हैं कि आपका एग्जाम निकले तो उस मोटिव के लिए काम करते हैं और को सर मेरी ओर से बहुत ही थैंकफुल थैंकफुल हूँ मैं सभी के लिए एंटायर टीम एंड स्पेशली आपके लिए सर हाँ थैंक यू <laughs> जब आप तैयारी कर रहे थे तो आप

और उसके बाद कभी कभी तो मतलब कस्टम लगा लेता फिर उसके बाद में थी और टेस्ट सीरीज चल रही थी बेस्ट तो उसके तो उसके अकॉर्डिंग चल ही रहा था जब आप आगे पढ़ रहे थे तो बीच बीच में कभी कभी ऐसे ख्याल आते होंगे ना यार कि यार मैं वो नहीं पढ़ रहा हूँ बहुत दिन हो गए वो नहीं रह जाए वो ऐसा हो जाए क्या फिर कैसे उसको आप काउंटर करते थे बिल्कुल सर ये दिमाग में बिल्कुल सारी ये चीजें आती थी बट मैं क्या करता था टू ओवर का शॉर्ट दे रखा था मतलब ये टॉपिक ये टॉपिक कुछ कुछ टॉपिक पढ़ लिया करता था लाइक जैसे कि मेडिसिन चल रही है तो बीच में मतलब का स्लॉट तो तो इस मैं मैं okay, तो हो जाता था सर अच्छा आपने जब प्रिपरेशन कर रहे थे कुछ सब्जेक्ट हमारे को थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं कुछ कुछ कभी कभी तो उनके लिए आप क्या करते थे और वो वो कौन कौन से सब्जेक्ट थे जो आपको थोड़े से ऐसे लगते थे मेरे को क्या सर्जरी सर और ऑफ गायना थी और मेडिक मेडिसिन तो मेरे बहुत इजी हो गई थी तो और सर्जरी के लिए मैं क्या मतलब उसको मल्टीपल टाइम्स सर रिवीजन बहुत ज्यादा किया मैंने उसका सर्जरी एंड ऑप्स गायना का मल्टीपल टाइम्स मतलब उसको जब क्लास के साथ तो मैंने कर लिया और जैसे ही गैप मिलता क्लास के बाद तो मैं उसको ऑप्स गायना कवर कर लेता था

उस टाइम पे कुछ ऐसा स्ट्रेटेजी बनाया था कुछ प्लान बनाया था या जैसा फ्लो चल रहा था जो आर का टीएनडी का चल रहा था वैसे ही आप उसको फॉलो कर रहे थे नहीं सर मैंने एयराइस को टी एन डी वगैरह भी फॉलो कर रहा था अच्छे से मैं मतलब टीचर्स वगैरह सारे बता रहे थे पर डे के अकॉर्डिंग मतलब टाइम टेबल बना रखा था टू ओवर का स्लॉट दे रखा था जैसे कि आपने बताया सलमान सर ने बताया सबके अकॉर्डिंग मतलब टू ओवर मतलब मेडिसिन पढ़ लिया टू ओवर एनाटोमी पढ़ लिया उसके अकॉर्डिंग चल रहा था तो मतलब काफी सही रहा और क्वेश्चन तो मैं डेली कर रहा था जैसे की लास्ट का वन मंथ बचा था उसमें मेरा अनटेड से 200 क्वेश्चन डेली जीटी का स्कोर कितना था आपका सर मेरा जीटी का स्कोर आता 190 200 हाईएस्ट भी 200 के आसपास था हां हाईएस्ट सर 200 200 180 कितना आ गया एग्जाम में सर मेरा 161 आया बट मैंने रिकॉल के अकॉर्डिंग तो सर मेरा 185 आ रहा था <laughs> तो ये कंट्रोवर्शियल <एक> क्वेश्चन <laughs> है हम, लेकिन ये हम <laughs> ये हमारे लिए बहुत है बहुत से हाँ, ज्यादा लास्ट दिन में हम सोचते तो बहुत है हम बहुत पढ़ेंगे ये करेंगे वो करेंगे क्या वो ऐसा हो पाया बिल्कुल सर मैंने टू सब्जेक्ट तो मैंने पढ़ लिए थे लास्ट के सेवन डेज में सारे टीचर्स ने बताया मेरे को ओनली पेज ओनली पेज टर्न टन टन ओनली ऊपर से सारी रीडिंग कर ली सर मुझे बहुत हेल्पफुल हुआ एंड okay. लास्ट के सर मैंने टू से थ्री डेज में तो मैंने मेडिसिन ऑफ गाइना सर्जरी पीडियाट्रिक्स इतना हेल्प हुआ ना सर एनाटोमी वगैरह बहुत ज्यादा हो

और भी मैं फिर मैं इलेवन ओ क्लॉक गई थी चलिए अच्छी बात है और जब एग्जाम दे रहे थे आप तो एग्जाम के टाइम पे क्या आ, होता है बहुत सी बार लगातार ऐसे क्वेश्चन आ जाते चार पाँच नहीं आते सुने ही नहीं आ, अगर ऐसे दो क्वेश्चन आ जाते डर लगने लग जाता है ना तो उसको कैसे काउंटर कर रहे थे आप क्या सोच रहे थे उस टाइम पे अगर लगातार तीन क्वेश्चन नहीं आए आपको फिर आपने क्या सोचा हाँ तो सर मैंने जैसे कि कुछ

आप कॉन्फिडेंट थे आपको ऐसा लग रहा था कि अच्छा हुआ है पिछली बार से आपका पेपर सर हाँ इस बार मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट तो था मतलब मेरे फैमिली को मैंने जैसे ही एग्जाम कंप्लीट हुआ उसके बाद ही मैंने बता दिया था कि मैं पापा मम्मी भैया मेरा पहले से बहुत पेपर अच्छा हुआ है बहुत ज्यादा अच्छा हुआ है चलो बहुत खुशी की लहर हो गई एकदम घर पे और अभी रिजल्ट आने के बाद तो बिल्कुल माहौल ही बदल गया होगा आपके घर पे बहुत ज्यादा सर जैसे ही रिजल्ट आया था ना मतलब फैमिली का तो बहुत ज्यादा मतलब एक्सप्रेशन ही नहीं मतलब बहुत ज्यादा आपने आपकी आपकी तरफ से जो आप उनको आप जिंदगी में जो सबसे बेस्ट गिफ्ट दे सकते थे वो आपने दे दिया है तो इतनी खुशी अब वापस आए बहुत मुश्किल है मतलब ये जो क्षण है आपने इतनी मेहनत और इतनी तपस्या के बाद वो ये तपस्या बेसिकली छह महीने या आठ महीने की नहीं थी ये पिछले छह साल की तपस्या थी जो इस एंड पे आई है और ऑबियसली uh, सबको बहुत खुशी होती है हम भी बहुत खुश होते हैं आपका रिजल्ट देखते हैं आपको खुश देखते हैं क्योंकि हम सब एक कॉमन गोल के लिए एक कॉमन टीम बन के काम कर रहे होते हैं कि पहली बार में आपका एग्जाम निकले और uh, सब कुछ अच्छे से, से सेट हो जाए क्योंकि आई एंड वी ऑल अंडरस्टैंड कि इस एग्जाम के साथ बहुत सारा सोशल प्रेशर फाइनेंशियल प्रेशर बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई रहती है तो उससे बाहर आने के लिए आप लोग जितनी मेहनत करते हैं इट इज वेरी कमेंडेबल मंथ्स मंथ्स में पूरे सब्जेक्ट पढ़ना इस एक्सटेंसिव सिलेबस को खत्म करना साथ में इतना प्रेशर हैंडल करना इतना आसान नहीं होता लेकिन आप लोग फिर भी बहुत मेहनत करके इसको करते हैं और वी ऑल प्राउड हम भी बहुत प्राउड फील करते हैं आपके लिए फिर जब ये सारी चीजें आपने पिछले अनफॉर्चुनेटली आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ सेकेंड में आपने क्लियर किया तो आपने बहुत सारी चीजें सीखी होगी इंसान गलतियों से सीखता है तो कुछ चीजें आपने ऐसी सीखी होगी जो बहुत वैल्यूबल है जो आप आपके जूनियर्स को देना चाहेंगे जो दिसंबर वाला एग्जाम देंगे अगली बार कि भाई तुम ये वाली गलती मत करना इन चीजों का बहुत ध्यान रखना वो कौन कौन सी ऐसी चीजें आप उनको बताना चाहते हैं तो सर यही कि मतलब सारे लोग क्या करते हैं क्लास के बाद है ना रिवीजन नहीं करते है. मतलब क्या उस बहुत सारी मतलब है ना थकान में फील होती है सारे लोग है ना मतलब ये होता है कि बस थोड़ा सा खाना वाना किया सर खाया फिर उसके बाद रेस्ट कर लेंगे थोड़ा बहुत पढ़ा ठीक हो गए रिवीजन नहीं करते तो सर मेरा स्टार्टिंग में उस टाइम पे ये फील हो रहा था कि जितना भी पढ़ा है ना टोटली सारा रिवीजन नहीं हो पा रहा था तो सर रिवीजन इज मस्ट एंड मल्टीपल टाइम रिवीजन इज सक्सेस की पॉइंट जैसा कि सारे टीचर ने बताया था कि बस मैंने ये चीज सबसे बेस्ट अपना नोट्स को मल्टीपल टाइम रिविजन किया मैंने एंड प्लस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस किया मैंने

बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको और बहुत बहुत बधाई है बच्चे ने खूब मेहनत की अक्षत ने और ये जो रिजल्ट लेके आया है हम भी बहुत खुश हैं और मैं उसको ये बता रहा था कि तुमने तुम्हारे माता पिता को अपने जीवन का सबसे बेस्ट गिफ्ट दिया है उनको तो ये खुशी आपके आंखों में भी दिखती है सर सबसे पहले तो आपको वेरी वेरी थैंक यू जी सर और हृदय से आपका मतलब आभार करता और मेरे लाइफ की की एज है जिसमें पहली खुशी है ये क्योंकि मेरे फैमिली में पहली बार डॉक्टर बना और अक्षत आपका नाम लेता ही रहता था मेरे साथ <laughs> ये सर मेरे मतलब मैं साथ कौन से सर अच्छे पढ़ाते हैं वो बता सही है। वो बोलता हैं प्रियंक जैन सर है वो अच्छे पढ़ाते हैं मैं क्या पढ़ाते हैं मेडिसिन पढ़ाते, पढ़ाते हैं बायो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं और उसमे उसने उसका स्कोर भी अच्छा किया उसने नंबर उसमें, उसमें अच्छा किया उसका पेपर भी अच्छा हुआ और मैं उसके एग्जाम देने गया था तो उसके साथ में गया था तो वो पहला पेपर निकल निकला तो खुश से निकला बहुत खुशी से निकला और उसने कहा कि अच्छा अच्छा हुआ 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 पेपर हुआ पेपर पेपर नाइस पहला तो मैं मैं कहा ओके फिर कहा, अब सोचना जैसा भी पेपर आए पॉजिटिव सोचना जी चार अब पांच प्रश्न मैंने ही कहा था उसको मान लो पहले पहले स्टार्ट के प्रश्न गलत है नहीं भी आए तो कोई घबराना नहीं है हार्ड भी आ जाए तो कोई टेंशन नहीं पॉजिटिव सोचना आगे वाला प्रश्न इजी आएगा बहुत सही कहा सर आपने और पेशेंट रखना बिल्कुल उसको पेशेंट कॉन्फिडेंस दिया था और पढ़ा मैं भी टीचर हूँ तो उसको पढ़ाई के लिए तो मैंने उसको हमेशा सर जो पढ़ाते हैं उसको डेली डेली टू अपडेट ही रहना। और पीछे वाला जो पढ़ते हैं उसको भी रिवीजन में लेना ये बहुत इंपॉर्टेंट है था था। था। मैं भी इनको ये समझाता बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है और मैं जो भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे मैं उन सबको कहना चाह रहा हूँ कि आप जब नया नया पढ़ते हैं तब अच्छा लगता है लेकिन पीछे वाला जो पढ़ा है उसको भी बार बार बीच बीच में जैसा सर बोल रहे हैं वैसे खोलते रहना है देखते रहना है उसको और अक्षर को मैंने एक शब्द और कहा था कि आपको दस बार पढ़ना और एक बार लिखना बराबर है लिख के पढ़ना और उसने मेरी बात को फॉलो भी की बिल्कुल सर सही पद्धति लिख की अच्छा ठीक है ओके सर थैंक <laughs> तो और, और आपकी पूरी टीम का मतलब हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ बिल्कुल सर हमें भी बहुत खुशी हुई आप लोगों से बात करते हैं आप हमारे अध्यापक हैं हम आपसे ही सीखते हैं और इन बच्चों को देने की कोशिश करते हैं हम सब एक परिवार हैं और आपके घर में खुशी है और इसी तरीके से ये खूब मेहनत करे खूब डिसिप्लिन में रहे और खूब आगे बढ़े हम सब यही शुभकामनाएं है करते हैं और आपके स्वास्थ्य की मंगल कामनाएं है करते हैं तो आपसे आप आप बात करके बहुत अच्छा लगा सर और जब भी आप उदयपुर आए जरूर कभी हम मिलने की कोशिश करेंगे हम वैसे पास में ही रहते हैं आप डूंगरपुर हैं जैसा अक्षत ने बताया तो बहुत अच्छा लगा जी सर आगे भी हेल्प करना बिल्कुल सर सर, सर। थैंक यू थैंक यू, है। सर।, सर, यू है। सर सर मेरी मम्मी भी आपको थैंक यू बोलना चाहती है सर नमस्ते प्रणाम बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके बेटे ने खूब मेहनत की और खूब अच्छा रिजल्ट लाया है और आपके परिवार में बहुत खुशियां लेके आया है और मैं चाहता हूं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि ये खुशियां इसी तरीके से बनी रहे ये खूब मेहनत करे आपके परिवार में और सर ने बताया कि आपके घर में पहले डॉक्टर हैं ये तो बहुत हाँ तो बहुत आपने बहुत तपस्या की मुझे पता है कि छह साल होने के लिए तो ये पिछले छह आठ महीने से एग्जाम के लिए पढ़ रहा था लेकिन आपकी तपस्या छह साल पहले चालू हो गई थी जब आपने पहली बार इसको भेजा होगा उस दिन से आपकी तपस्या चालू हो गई थी तो वो एक माता का जो हृदय होता है मतलब अच्छा वो बोलते हैं ना अपने को पत्थर रख के भेजना पड़ता है तो आपने वो पत्थर भेजा और आपने छह साल तपस्या की उसका ये फल है की आज ये हाँ कि आज ये जिंदगी में कुछ बन गया है इसने भी बहुत मेहनत की आप के कहने पे अनुसार चल रहा तो ये सबका एक कॉमन प्रयास है तो बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके सबसे बात करके और आपका भी बहुत आशीर्वाद रहा और आपने बहुत अच्छा पढ़ाया और बहुत बहुत धन्यवाद जी सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका आशीर्वाद बना रहेगा तो इसी तरीके से हम काम करते पाएंगे सर भैया भी आपको थैंक यू बोलना चाह रहा है सर हेलो हेलो सर सर ओके सर बहुत बढ़िया है अच्छा है बहुत, बहुत, बहुत अच्छा तो यही एक बार एक बार एक बार एक बार सोच रहे और ये सर आपकी तारीफ तो करता था यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा सर इसकी मेहनत है और आप सबका बहुत सपोर्ट रहा इसको ये सब अचीव करने में घर वालों का सपोर्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ये एग्जाम इतना आसान भी नहीं है बहुत सोशल प्रेशर बहुत सारी चीजें दिमाग में बच्चे के चलती रहती है तो जो भी ये वीडियो देखेंगे मैं उनके माता पिता को भी कहना चाहता हूँ कि बच्चे को मॉरल सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जैसा आप सबने इनको प्रोवाइड कराया और इसी तरीके से हम शुभकामनाएं है करते हैं कि ये बहुत आगे जाए बहुत प्रोग्रेस करे बहुत बहुत धन्यवाद आगे भी ऐसा ही आशीर्वाद आपका बना रहे और अक्षत पे और सर आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू सर थैंक यू अक्षर थैंक यू सो मच सर वन बिल्कुल सर खूब आगे बढ़ो हमारी यही शुभकामनाएं बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए थैंक यू थैंक यू सर यून एंड थैंक यू सर थैंक यू सो मच टीम को सर